गुजरात के वडोदरा में बुधवार को ही भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 14 घंटे में करीब 18 इंच बारिश दर्ज की गई। हालत यह है कि सड़कों पर मगरमच्छ घूमते दिखाई दिए। जल भराव के बाद लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। राजस्तंभ सोसाइटी में सड़क पर मगरमच्छ लोगों के घर की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। वह पास में खड़े कुत्ते पर भी आक्रमण करता हुआ दिखा। सोसाइटी में भय का माहौल बना हुआ है। वडोदरा के जिला कलेक्टर ने गुरुवार को सभी सरकारी निजी और वडोदरा नगर निगम के स्कूलों में अवकाश के आदेश दिए गए। वडोदरा में हुई बारिश ने काफी मुसीबत बढ़ा दी है। जिलों में पानी ओवरफ्लो हो रहे हैं। विश्वामित्री नदी भी 23 फीट पर बह रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बारिश को देखते हुए वडोदरा एयरपोर्ट को 1 अगस्त सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया था। इसके अलावा वडोदरा स्टेशन और उसके आसपास भारी बारिश और जल भराव के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दी गई। यह है कि बारिश के बाद लोग दफ्तरों में फंस गए और घर पहुंचने में भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। इसे होते हुए उन्हें मुश्किल से घर वापस आना पड़ा। बुधवार की रात NDRF की टीम ने फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला।